गुरुदेव, ये जो बच्चा है बहुत डिप्रेशन में आता है, न पढ़ता है न कुछ करता है। वो स्मृतियाँ सभी में रहती हैं, मेरी किसी को ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं, किसी को कम। जी मां। और जब ये जाती हैं तो पूरे DNS जाती हैं, इसीलिए दरबार में एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार अच्छा होता है। जी महाराज, यही नियम है। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन। खुश है, प्रसन्न है, खुश हो बेटा, बताइए। गुरुदेव, ये जो बच्चा है बहुत डिप्रेशन में आता है, न पढ़ता है न कुछ करता है। अब इसका डिप्रेशन खत्म, जो पढ़ता नहीं था, जो पढ़ने नहीं देते थे वो सब खत्म। अब इसकी गुस्सा खूब होता था, गुस्सा खत्म है, आदि बेहोशी में रहता था, इसको पता नहीं लगता था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसको बहुत चीज़ें होश में नहीं, अभी भी क्या किया इसने इसे पता ही नहीं। ठीक है, वो सब गंदगी गई। अब इसका पढ़ने का मन कर रहा है खूब। अब इसका जो है आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है कि हम खूब पढ़ पाएंगे, खूब कर पाएंगे। इसकी एकाग्रता बढ़ाई गई है, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है। माइक भी दो बच्चे को। गुरुदेव, हम बोल रहे हैं, ठीक है? अब ठीक है, है ना? और इसके अंदर बहुत गंदे गंदे ख्याल आते थे, इसके ख्याल नहीं थे। वो अपने माँ बहनों को देखकर गंदे गंदे ख्याल आते थे इसको। आते थे लेकिन पता नहीं क्या कर रहे थे, वो कुछ पता ही नहीं चलता था, पता नहीं होता था, क्योंकि ये इसके ख्याल नहीं थे। वो गंदगी जो बाहरी थी, स्मृतियाँ थी, इसको ऐसा सोचने के लिए मजबूर करती थी। अब वो सब गंदगी गई, अब इसलिए स्वच्छ है। तुम फर्स्ट क्लास रहकर लेपन करना बेटा। क्या नाम तुम्हारा? सचिन यादव। सचिन, अब पढ़ लिख पाओगे अच्छे से? मन कर रहा है पढ़ने का? हाँ गुरुजी। अब क्या लग रहा है, याद रहेगा तुम्हें जो पढ़ोगे? हाँ। ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ याद रहेगा। अब कोई गंदा गंदा करने का मन तो नहीं कर रहा जो होता था पहले? नहीं। ठीक है, खुश रहो। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव पूरा ही परिवार में था, सभी को था, मेरे को भी। बिल्कुल ऐसा ना, वो स्मृतियाँ सभी में रहती हैं, मेरी किसी को ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं, किसी को कम। जी मां। लेकिन प्रभाव सब में रहता है, स्मृतियों का पूरे DNA में उसका प्रभाव रहता है। जी मां। और जब ये जाती हैं तो पूरे DNS जाती हैं, इसीलिए दरबार में एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार अच्छा होता है। जी महाराज, यही नियम है। महाराज, अभी संकल्प कर रहे थे जब लास्ट में कराया था आपने, जो अभी अभी, उसमें भी मेरे को जो है कंधा भारी हुआ, डकारें आई बहुत। वो तो निकलता ही, गंदगी निकलती है, निकल गई। और एक मेरा बेटा बोलता नहीं है, सबसे बड़ा वाला है। गुरुदेव, प्रार्थना, संकल्प, लेपन, ठीक है, खड़े होकर, नर्वस सिस्टम काफ़ी वीक है, अच्छा हो जाएगा। जी गुरुदेव, उसके नाम से संकल्प करके तुम महाहवन कर लेना। गुरुदेव, ठीक है? गुरुदेव, कहाँ रहते हो आप? एटा में रहता हूँ गुरुदेव। पास में ही हो तुम यार। क्या नाम उसका बेटे का, बड़े वाले? गौरव है। गौरव, एक दिन आ करके। जी महाराज, कर लेना, ये निःशुल्क है दरबार की ओर से महाराज, ये असाध रोगों के लिए है। तो उसका जो संकल्प है जी महाराज, आप लेना हो कर लेना महाराज। दिखा रहे गुरुदेव, पीछे खड़े हुए हैं वो गुरुदेव। हाँ, देख लिया हम। हाँ, देख लिया हमने, देख लिया। गुरुदेव, ये कब तक हवन कर सकते हैं? चाहे जब कर लेना, डेट ले लेना वहाँ से। अच्छा गुरुदेव, वहाँ भी ऑफिस जाओ। जी महाराज, वहाँ पे डेट मांग लेना, डेट दे देंगे, उसी डेट पे आ कर लेना। जी महाराज, खुश हो। वो एक दिवसीय होता, पूरा दिन लगता है उसमें, वो निःशुल्क होता है असाध रोगों के लिए। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए।